प्रदेश में चलाए जाने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए शुक्रवार की दोपहर जिला अस्पताल में ANM नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी बिंदुवार जानकारी साझा की गई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी PK माहौर ने मीडिया को पल्स पोलियो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकारों से अपील की गई। अभियान के दौरान जो बच्चे वंचित रह जाते हैं या वह केंद्र पर नहीं पहुंच पाते तो घर घर जाकर भी यह अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो को ड्रॉप लिए बिना न रहे और पोलियो से निजात मिल सके। इस अवसर पर जिले के मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। साथियों, आपको ये मैं बता दूं कि जो पल्स पोलियो अभियान है 27 फरवरी से लेके 3 दिन चलाया जाएगा। 27 तारीख को बूथ पर जो है ना बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी और 28 एवं पहले 1 तारीख थी, अब चूंकि 1 तारीख को शिवरात्रि है तो ये 2 तारीख को जो है ना घर घर जाके बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी, जो पहले दिन छूट जाएंगे उनके लिए। हमारे ज़िले में करीब जो है 0 से 5 साल के 2,26,140 बच्चों को लक्ष्य रखा गया है, जिनको दवा पिलाने के लिए हमने 4 तरह की टीमें बनाई हैं। एक है बी टाइप की टीम, तो ये करीब बी टाइप की टीम जो है ना वो 1,558 हमारी बी टाइप की टीमें हैं, जो घर घर जाके इनको बच्चों वो सॉरी बूथ पर जो है ना दवाई पिलाएंगी। उसके अलावा 97 टीमें ऐसी हैं जो हमारी सी टाइप की टीमें हैं, वो पहले दिन से ही जो है ना जो मजरे टोले होते हैं छोटे छोटे वहाँ जाकर दवाई पिलाएंगी। 13 ऐसी टीमें हैं जो हमारी मोबाइल टाइप की टीमें हैं, जहाँ बहुत छोटी बस्ती वो होते हैं घुमक्कड़ आबादी वाले या ईंट भट्टे वगैरह ऐसी जगह जहाँ होती हैं, तो वहाँ हमारी मोबाइल टीम के द्वारा जो है ना हम बच्चों को दवाई पिलाएंगे। कुछ ट्रांजिट टीमें हैं हमारी, करीब 69 ट्रांजिट टीमें हैं जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या ऐसे जो है ना बाजार बाजार मेले वगैरह होते हैं वहाँ जो है ना ये दवा पिलाने का काम करेंगे। जो सी टाइप की टीम है, सी और बी दो हो गई और तीसरी मोबाइल टीम एंड ट्रांजिट टीम, तो सी टाइप की टीम और मोबाइल टीम ये पहले दिन से ही जो है ना घर घर जो है ना वैक्सीन का या पिलाने का काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।